हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल WCC2 गूगल वीडियो में। चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट गेमिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊँगा कैसे आप WCC2 के अंदर सारे स्टेडियम को अनलॉक कर सकते हैं और साथ में चार जो VIP स्टेडियम उनको भी कैसे अनलॉक करना, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी वक्त गवाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेडियम मेरे अनलॉक है, क्योंकि मैंने गेम को इंस्टॉल किया और वापस इंस्टॉल करके आपको बता रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ और साथ में पूरा प्रूफ दे सकूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा गेम को वापस इंस्टॉल किया है अनइंस्टॉल करने के बाद में, और अब मैं आपको लेके आपको ले जाऊँगा स्टेडियम के अंदर और बताऊँगा मेरे कौन कौन से स्टेडियम अनलॉक है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ फिलहाल स्टेडियम बताने के लिए। देख सकते हैं जैसे क्विक मैच में हम जाएंगे तो क्विक मैच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखिए, अब मैं कोई भी टिप सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं राइट कवर क्लिक कर लेता हूँ तो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि मेरे कौन कौन से स्टेडियम अनलॉक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे चारों ही VIP स्टेडियम अनलॉक है, माफ की जगह लॉक है, और साथ में जो दूसरे स्टेडियम है उनके ऊपर मुझे पीस देने पड़ेंगे, मतलब कॉइन देने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इन चारों स्टेडियम को अनलॉक कर सकते हैं और साथ में आप कैसे ही जो दूसरे स्टेडियम है उनके अंदर कॉइन को बिना दिए खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हैक डाटा प्रो ऐप में और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हैक ऐप डाटा प्रो जो ऐप है उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हैक ऐप डाटा प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग करने के बाद आपको वर्किंग मोड दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। वर्किंग मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वर्किंग मोड को क्लिक करना है, उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक होगा नॉन रूट मोड और होगा रूट मोड। इसमें से आपको नॉन रूट मोड सेट करना है। अब देखिए यहाँ पे रूट मोड और नॉन रूट मोड है, तो आपको नॉन रूट मोड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अंदर आ जाना हैक यूज़र ऐप के अंदर, उसके बाद आपको सबसे ऊपर WCC2 मिलेगा तो इसके ऊपर अनहैकेबल लिखा हुआ है, तो उसको हैकेबल करने के लिए आपको इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद वर्किंग मोड है तो 2 से 5 मिनट की प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब फाइनली हमारे यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है, थोड़ा सा वीडियो को मैंने यहाँ पर स्किप किया है, तो हमारे यहाँ पर फाइनली ऑप्शन आने वाला है रिमूव और इंस्टॉल का। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। मेक इट हैकेबल का ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे हैकेबल तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है रिमूव का तो और इंस्टॉल का। था यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको ऐसे कैसे रहने देता है और बेक आ जाना है ऐसे, और इसको आपको जाना है जेड एचीवर में। जेड एचीवर ऐप का लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जेड एचीवर ऐप के अंदर आपको आ जाना है सिंपली, जैसे आप दिख रहा है, तो इसके अंदर जेड एचीवर ऐप पर आने के बाद आपको एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करना है। एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको OBB के ऊपर क्लिक करना है, OBB के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक फाइल मिलेगी com.nestwear WCC2, तो इसके ऊपर रिनेम कर लेना है, और रिनेम करने के बाद आपको क्या करना है कि आप WCC2 में कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, उसके बाद ओके कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको जो WCC2 गेम की जो OBB फाइल है वो डिलीट नहीं होगी, केवल आपका जो APK फाइल है वही डिलीट होगा यहाँ पर। तो देखिए अब फाइनली अब मैं कर लिया मैंने रीनेम, अब मैं जाऊँगा हैकेबल डाटा में, उसके बाद रिमूव कर लेता हूँ ये जो ओरिजिनल गेम है उसको। रिमूव करने के बाद हैकेबल गेम यहाँ पे हमारा इंस्टॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रिमूव हो चुका हमारा गेम और हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा हैक वाला ऐप, यानी हैक वाला WCC2 इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चल रही, तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मैंने यहाँ पे कर लिया स्किप, जैसे हमारा हो चुका है इंस्टॉल फाइनली, तो मैं डन के ऊपर क्लिक करूँगा, और डन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक प्रोसेस हमको वापस करनी है जो कि बहुत सिंपल है। तो डन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना आपको जेड अभी क्लोज कर लेना है, फिर जाना आपको जेड आर्चीवर के अंदर, और उसके बाद आपको जो WCC2 के OBB फाइल को रिनेम किया था उसको वापस वैसा कर देना। जैसे आप WCC2 के अंदर से मैंने 2 हटाया था, वापस मैं वो 2 हटा देता हूँ। आप कुछ भी पीछे ऐड कर सकते हैं या फिर 2 को हटा सकते हैं, तो वापस मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ जिससे कि हमारा OBB फाइल फिर से सेव हो जाए कि हमारे WCC2 ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरा WCC2 ऐप, और वहाँ पे अभी कुछ चेक कर लेते हैं हम कैसा गेम चल रहा है, उसके बाद में हम प्रोसेस शुरू करेंगे हैकिंग की। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐप के अंदर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना होता है। इसके एक बार इसको आपको टेस्टिंग करनी होती है इस गेम की कैसा चल रहा है, थोड़ा सा मैं स्किप कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर वर्जन हुई है 2.8.7 का, तो थोड़ा बहुत आपको इसे ऊपर नीचे कर लेना है, और थोड़ा पेटर्न एडन को भी क्लिक कर लेना है, और गेम नहीं खेलना बस आपको थोड़ा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेडियम को देख लेना है, उसके बाद में बेक आ जाना है। बेक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, वापस आना है हैक ऐप डाटा में आना है आपको, वापस हैक ऐप डाटा प्रो में आ जाना है। तो वापस हम आ जाते, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे WCC2 का ऐप आएगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा।
यहाँ पे लोडिंग हो रहे हैं सारे ऐप, तो यहाँ पे डब्ल्यू सी टू के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ एक प्रीफ्रेंस के ऊपर क्लिक करना है, प्रीफ्रेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे रेड कलर का दे रखा है क्लिक करने के लिए, तो आप इसको क्लिक करना है। डब्ल्यू सी प्लेयर प्रीफ्रेंस में आना है, तो इसके ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक मिलेगा ऑप्शन यू डी स्टेडियम को ऑप्शन मिलेगा आपको यू डी स्टेडियम, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये आ गया यू डी स्टेडियम, इसके अंदर जितने भी जीरो उन सबको हमें एक करना है। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आप इसको आराम से कीजिए, इसमें आपको ध्यान रखिए करना होगा, नहीं तो आपका गेम पूरा बिगड़ सकता है। तो आपको इसमें जितने भी जीरो को एक करना है, तो मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो को भी स्किप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं तो देखिए मैंने सारे कर लिए हैं, यहाँ पर जीरो जितने भी जीरो थे उन सबको एक कर लिया है। तो आपको दो दिन बाद सक्सेस के ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस आते ही आपको क्लोज कर लेना है और फिर आपको आपकी जो डब्ल्यू सी टू ऐप था उसको हटा देना है। उसके बाद वापस ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपके लिए सरप्राइज़ है बहुत ही बड़ा कि आपका जो गेम है वो देखिए आप वर्जन है 2.8.7 जो पहला था, अब ये गेम लोडिंग हो रहा है। गेम लोडिंग होते आपको दिख जाएगा कि क्या होता है सरप्राइज़ आपके लिए। इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया, ऐसा वीडियो मैंने पहले बना रखा था, पर उसमें आपको टू न्यू वी आई पी स्टेडियम नहीं मिल रहे थे, वो 3-4 महीने पुराना वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँ। तो अब गेम हमारा फाइनली लोडिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है हमको, इसके बाद में हम फाइनली गेम को खेल पाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, साइन इन का ऑप्शन तो मिलेगा पर आप यहाँ पे साइन इन नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत आपके लिए बेड न्यूज़ है, पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, इसके अंदर आप एनपीएल ऑप्शन को भी खेल सकते हैं फ्री में शायद, क्योंकि मेरे अंदर मैं खेल पा रहा हूँ बिना साइन इन किए, एनपीएल ऑप्शन को शायद आप ही खेल पाओगे। तो देख सकते हैं आपके सारे के सारे स्टेडियम अनलॉक के साथ में आपको कोई भी कॉइन नहीं पे देने पड़ेंगे स्टेडियम खेलने के लिए, साथ में आपके जो 4 वीआईपी स्टेडियम थे वो भी आपके यहाँ पे अनलॉक है। और मैं आपको गेम प्ले करके बता देता हूँ, जिससे कि आपका आपको विश्वास और बढ़ जाएगा और प्रूफ मिल जाएगा आपको। तो मैं सबसे लेता हूँ मार्वल का स्टेडियम, बाकी सारे स्टेडियम मैंने खेल रखे पर आपको बता देता हूँ मार्वल का स्टेडियम क्लिक करके मैं, तो हम यहाँ पे करेंगे मार्वल का स्टेडियम को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैच की कंडीशन जैसे कि मैं लेता हूँ नाइट की, यहाँ पर पी सेलेक्ट कर लेता हूँ नाइट ले 11 ओके गोइट। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हम न्यू ओपन करते हैं वैसे ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ हिंदी कर लेते हैं कॉमेंट्री और गेम प्ले भी सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा लोडिंग। तो यहाँ से थोड़ा वीडियो स्किप कर लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने थोड़ी बहुत स्किप कर लिया है, यहाँ पर स्किप करने के बाद हमारा गेम प्ले शुरू हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे का आपको स्टेडियम दिख रहा होगा जो बिल्कुल न्यू स्टेडियम है, और मैंने आपको ट्रिक बता दी और ये ट्रिक बिल्कुल वर्किंग है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आती है तो आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, फिर भी आपको नहीं आती समझ में, फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको जेड अचीवर हेक एप डेटा प्रो का दोनों का डाउनलोड लिंक दे दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक थी, आशा करता हूँ ट्रिक अच्छा लगे होगी। पीछे आपको अब देख सकता है स्टेडियम कितने बस स्टेडियम है और बहुत ही अच्छा शानदार है, देखिए आप कितना मस्त लग रहा है लुक। तो बस ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो जय वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।